दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उन खिलाड़ियों को फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए सुन पाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में जब मोहम्मद शमी को अंग्रेजी बोलते हुए सुना गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि शमी ऐसे भारतीय क्रिकेटर माने जाते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन अब वो इंग्लिश को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बोल पाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भारतीय खिलाड़ियों को ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आती है उन्हें इंग्लिश कौन सिखाता है और वो कैसे इतनी जल्दी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं? दोस्तों टीम इंडिया में चाहे विराट कोहली हो या फिर चेतेश्वर पुजारा या फिर मोहम्मद शमी, ये सभी खिलाड़ी फर्राटेदार इंग्लिश में मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया में खिलाड़ी अक्सर छोटे कस्बों, शहरों या फिर मामूली बैकग्राउंड से आते हैं, और ये खिलाड़ी ऐसे घरों से होते हैं जहां पर इंग्लिश बोलने का सवाल ही नहीं उठता और इंग्लिश बोलना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन भारतीय टीम में आते ही ये लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में BCCI पिछले कुछ सालों में इस बात पर खास ध्यान दे रहा है और वो ऐसे सभी क्रिकेटरों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग के सेशन आयोजित कराता है। उन्हें इसके लिए दौरों में भी कोच उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही फोन के जरिए भी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारने में मदद की जाती है। दोस्तों BCCI इस बात का ध्यान रखता है कि टीम इंडिया में सेलेक्ट होने वाले सभी क्रिकेटर अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकें। बता दें कि टीम में जिन क्रिकेटरों का सिलेक्शन होता है तो BCCI इस बात का ध्यान देता है कि वो न केवल अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें बल्कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। दोस्तों इन खिलाड़ियों को मीडिया ब्रीफिंग के अलावा विदेशी दौरों में लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज उनकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर ले जाती है। दोस्तों BCCI ने केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि भारतीय एम्पायरों के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी बातचीत का स्तर सुधर सके और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स से इंटरेक्ट कर सकें। आपको बता दें कि एम्पायरों के लिए BCCI ने पहली बार साल 2015 में ऐसा कोर्स शुरू किया था। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि जिन खिलाड़ियों को इंग्लिश बोलना नहीं आती उन्हें इंग्लिश कौन सिखाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।